नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीमाज क्रिएटिविटी में। कैसे हो आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक नई चीज बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, गैस को ऑन करना है। आज हम दाल के फरे बनाने जा रहे हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। हमने सरसों का तेल लिया है तो सरसों का तेल हम डाल देते हैं इस पे। थोड़ा सा तेल डालेंगे अभी हम, बाद में इसके लिए तड़का भी बनाना है इसलिए अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हमने क्या लिया है, जीरा लिया है, आप देख पा रहे होगे, लहसुन है, अजवाइन है और हरी मिर्च है। ये सारी चीज़ें भी हमें इसी में डालना है। अब हमें क्या करना है, इस पर हम पहले जीरा डाल देंगे उसी तेल में, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। लहसुन डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम भूनने तक पका लेते हैं। और हमने अरहर दाल लिया है, इसको हम क्या करेंगे, धुल के धुल लेंगे। अभी इस दाल को हमने अच्छे से धुल लिया है, अब ये दाल भी हम इसी में डाल देंगे। अब दाल को हमें एक दो मिनट तक फ्राई करना है। हम इसको मिला देते हैं और एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चम्मच हम भर के हल्दी डाल देंगे इस पर। यहीं पे हल्दी डाल देना, हमें हल्दी को भी मिला देते हैं। हमारे एक से दो मिनट हो चुके हैं, अब क्या करते हैं, हम इस पर पानी डाल देते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। पान से जब इस दाल हमारी आधी पक जाएगी तब मैं इस पर फरे बना के डालूंगी। तो तब तक मैं उसकी दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। और हमें यहाँ पे एक अभी काम रह गया है, यहाँ पे हमें इसी जगह पे नमक ऐड करना है। तो मैं एक चम्मच भर के इस पर नमक ऐड कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमने आटा लिया है और आटा को छान लिया अच्छे से। अब हम इस पे डालेंगे एक छोटी चम्मच सादा नमक, उसे कम डाला है, और डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हमने एक छोटी चम्मच लिया है और इसको हमें इस प्रकार से मैश करके हाथों से डालेंगे, इससे अच्छा स्वाद आएगा। उसमें मिला देंगे और हम पानी डालते हुए इसको मिला लेंगे। इस तरह से हम आटा रोटियों की तरह, जैसे रोटी बनाते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटियों की तरह हम आटा लगा लेते हैं। हमें इस तरह हल्के हाथों से रोटी जैसा ये आटा मार लेना। तो आप देख पा रहे होगे इस तरह से हम मार रहे हैं, इसी तरह हम रोटी जैसा मार लेते हैं। मैंने आटा लगा कर रख लिया है, अब हमें क्या करना है, फरे बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने पत्थर भी रख दिया है। अब हमें तवाई लेना है, अब पूड़ियों की जैसे हमें रोटी बनानी है, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें बेलना है इसको। तो हम पहले लोई काट लेते हैं इसको, इस प्रकार से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने इस तरह से बना लिया है, अब हम इसको रोटी के जैसा बेल लेते हैं। दोस्तों एक बार आप दाल के फरे जरूर बनाकर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो और ये जल्दी से भी बन जाते हैं, तो एक बार आप लोग बनाकर जरूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
तो हमने रोटी जैसे इसको बना लिया है, बिल्कुल पतला भी नहीं बनाना इसको, थोड़ा मोटे में रखेंगे। तो आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से है। अब हम एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास से हम इसके छोटे छोटे मतलब कट कर लेंगे, ऐसे एकदम छोटे छोटे बनेंगे नहीं, तो इस प्रकार से हम इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे मैंने एक रोटी से तीन ये पूड़ियाँ टाइप ये कट कर लिया है, और यही हमें उस पर डालना। इसी तरह मैं अपने सारे मतलब रोटियों के बना लेती हूँ फर। हमारी दाल इस तरह से बन चुकी है, आप देख पा रहे होगे आधी दाल पक चुकी है, आधी पकने को रह गई है। अब हमने जो फरे बनाए हैं ये थाली भर के, ये हम इसी पे डाल देते हैं एक एक करके। इन फरों को भी हम इसी में डाल देंगे, और इसके बाद हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे, बहुत से बहुत 10 मिनट, बस उसके बाद इसको उतार लेंगे। हमने सारे फरे डाल दिया है, मतलब छोटी वाली रोटी हमने सारी डाल दी है। आप देख पा रहे होगे अभी इस तरह से दाल है, जब दाल हमारी मिक्स हो जाएगी तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी दाल और फरे पक चुके हैं, आप देख पा रहे होगे, देखिए इस तरह से सारे दोनों चीजें हमारी पक गई हैं अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रेश धनिया कटा हुआ मिला देते हैं, इसको धुलकर हमने काट लिया है, इसको हम इसी में मिला देंगे और इसको साइड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर एक चमची रखना है इसका तड़का बनाने के लिए, और इसमें हम तेल डाल देते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, हमने लहसुन लिया है उसको काट लिया है, 3 से 4 कली लहसुन है, और जीरा लिया है हमने, जीरा को भी हम इस पर डाल देते हैं, जीरा भी इस पर डाल देंगे हम, और थोड़ा सा हींग डालेंगे, एक चुटकी हमने हींग लिया है, MDH की हींग है। और हमारे सारा कुछ पक चुका है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इस पर छौंक लगाएंगे। हमारी दाल बनकर तैयार है, छौंका लगा दिया, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दाल पर। तो दोस्तों आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।